लोग रोटी बनाना नहीं जानते, बहुत सी गलतियां करते हैं रोटी बनाने से, आटा गूंदने से लेके रोटी बनाने में, रोटी पकाने में, इवन रोटी खाने में भी बहुत सी गलतियां करते हैं। जिस जो कि हमारे साथ आयुर्वेद के एक्सपर्ट आचार्य जी हैं, रोटी खाने का सही तरीका बताएंगे। वो 7 बड़ी गलतियां क्या करती हैं महिलाएं और पुरुष रोटी बनाने में, जिससे हमारे पेट में बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। हमारे साथ एक एक्सपर्ट आचार्य जी है, जो कि देखिए ये रोटी बनाने से लेके खाने तक का और ये सारा प्रोसेस हमें दिखाने वाले हैं। आचार्य जी, मैंने सुना है कि बहुत से लोग कहते हैं आंतों में भी ये नुकसान देता है ये आटा, और इसको बनाने का और खाने का सही तरीका क्या है? बिल्कुल, भोजन पचने के बाद सीधा आंतों में जाता है। देखिए, जो आटा आप प्रयोग करते हैं, मैं आपको सही तरीका भी बताऊंगा। जो आटा आप प्रयोग करते हैं वह इस प्रकार से देखिए, बिल्कुल आंतों के कोने कोने में जाकर के चिपक जाता है, जो कि कब्ज की समस्या उत्पन्न करता है, गैस, ब्लोटिंग, पेट का उफारा बन जाना, पेट का फूल जाना, इस प्रकार से जो समस्या बनती है वह आंतों में जब मल की वजह से बनती है, जो कि एक खराब आटे की, एक गलत आटे की वजह से बनता है। देखिए, ये हमारी आटे हैं, इस प्रकार से आंतों में मल जम जाता है। देखिए, यह मल बिल्कुल भी नहीं निकलता। आप बहुत सारे प्रयत्न करते हैं लेकिन फिर भी नहीं इससे निकलता। आचार्य जी क्या क्या पेट में नुकसान होने शुरू हो जाते हैं? आंतों में मल जमते ही आंतें फूलने शुरू हो जाती हैं, आपको गैस, ब्लोटिंग, सबसे बड़ी जो समस्या है, जो देश भर की समस्या है, कब्ज की समस्या है। आंतों में मल जमते ही कब्ज की समस्या बनती है और हमारे शरीर में सभी चीजें, सभी रोग उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप, जैसे ये हमारी आंत है आचार्य जी, कैसे ये काम करती है इसका? हमारी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत, दो प्रकार की आंतें होती हैं। हमारी छोटी आंत 20 मीटर लंबी, 20 फुट लंबी होती है, जबकि बड़ी आंत केवल 5 फुट लंबी होती है। आंतों के अंदर मल का जब इकट्ठा होता है तो उसका बाहर निकलने का काम होता है, तो ये आटे की वजह से वह मल अंदर चिपक जाता है। देखिए, इस प्रकार से जब वह मल अंदर चिपक जाता है तो वह मल बाहर नहीं आ पाता और आपको कब्ज की समस्या बनती है, भयंकर से भयंकर कब्ज की तो समस्या बनती आचार्य है। जी हमें बताइए और हमारे दर्शकों को बताइए, ये रोटी बनाने का सही तरीका क्या है? वो 7 गलतियां कौन कौन सी करते हैं अक्सर महिलाएं और कई पुरुष जो पीजी में रहते हैं और कई लड़के, तो आप हमें वो रोटी बनाने का सही तरीका दिखाएं क्या देखिए, क्या मैं है? आपको सही तरीका बताता हूँ रोटी बनाने का। आपको इस प्रकार से आटे को लेकर के रोटी को बेल लेना है। रोटी को बेलने के पश्चात आप इसको तवे पर डालेंगे। तवा हमारा गर्म हो चुका है, हम इसको तवे पर डालेंगे। इस प्रकार से हमने तवे पर डाल दिया है। इसके साथ ही मैं आपको बताता हूं तरीका, आपको कौन सा आटा लेना है। देखिए, जैसे ये आपके सामने आटा है, ये हमारे पास छलनी है। आजकल सभी महिलाएं छलनी में आटा छानती हैं। इस प्रकार से छलनी से आटा छानती है, जो कि एक सबसे बड़ा गलत कार्य है, क्योंकि आटा छानते ही उसके पोषक तत्व, तो उसके जो चोकर उसमें होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु जो आटे में होती है वह चोकर होता है। चोकर में जो होता है फाइबर, सबसे अधिक होता है फाइबर। हमारी आंतों को बल देता है, हमारी आंतों में कब्ज नहीं बनने देता। जो फाइबर होता है हमारे शरीर का विकास करता है, हमारी आंतों का विकास करता है। यह देखिए, जो महिलाएं आटा छानती हैं वह आज से ही आटा छानना बिल्कुल बंद कर दे, आटा छानने का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। देखिए, यह रोटी हमारी इस प्रकार से यहाँ है, इसको हम पलट देंगे। बहुत सारे लोग रोटी को गैस से उतार करके इस प्रकार से सेकते हैं, देखिए, जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गैस पर रोटी जाते ही तवे पर ही सेकनी चाहिए, रोटी को तवे पर ही सेकना चाहिए, ना कि गैस पर सीधा, क्योंकि गैस पर रोटी जाते ही रोटी के अंदर अपनी खतरनाक गैसें आनी शुरू हो जाती हैं और हमारे पेट में जाकर के गैस व कब्ज की समस्या उत्पन्न करती है। अगला जो कारण आपको ध्यान करना है रोटी बनाने का, अगला जो तरीका है रोटी बनाने का, वह यह है कि आपको चोकर वाले आटे की रोटी का प्रयोग करना है। देखिए, हमारे सामने यह चोकर वाला आटा है जिसको हमने छाना नहीं है। इसके अंदर चोकर प्रचुर मात्रा में है, इसके अंदर फाइबर प्रचुर मात्रा में है, इसके अंदर और भी सारे विटामिन, मिनरल्स, सोडियम, कार्बोहाइड्रेट्स इत्यादि बहुत सारी चीजें इसके अंदर है, जो कि हमारी आंतों को बल देने का कार्य करती हैं, हमारी आंतों में कब्ज नहीं बनने देती, आंतों के अंदर मल नहीं चिपकता, इससे जो सबसे बड़ा लाभ है। तो ये अट्टाचारी जी दिखता कैसा है फाइनली? देखिए, जो चोकर वाला आटा होता है ये सफेद नहीं होता कलर से, ये थोड़ा सा येलो येलो होता है, पीलेपन लिया होता है। और जैसे इसको वो पानी वाला एग्जांपल आपने बताया था कि भी इस आटे को पानी में डालेंगे तो ये कुछ ही
क्षणों में रिजल्ट दिखाता है, क्या है इसमें फर्क? यह आटा पानी में जाते ही घुलना शुरू हो जाता है पानी में, और जो दूसरा आटा है अपना जो आम गेहूं का जो आटा होता है वह पानी में जाकर के घुलता नहीं है और आंतों में चिपकना शुरू कर देता है, जो कि कब्ज का, ब्लोटिंग का कारण बनता है हमारे शरीर के अंदर। देखिए अगला जो आपको कार्य करना है अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए, जिससे कि कब्ज ना हो। आजकल लोग भोजन करते समय पानी का सेवन करते हैं, जो कि बिल्कुल भी आपको पानी का सेवन नहीं करना है भोजन करते समय। यदि आप पानी का सेवन करेंगे तो आपको भविष्य में कब्ज की समस्या होगी, और यदि आप चोकर वाले आटे का जीवन भर प्रयोग करते हैं तो जीवन भर आपको कब्ज नहीं होगी, बवासीर नहीं होगी, एसिडिटी नहीं होगी, गैस नहीं होगी, ब्लोटिंग नहीं होगी। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिए, इनको आप दिनचर्या में अपनाइए, जिससे कि आपको बहुत लाभ मिलने वाले हैं। और जुड़े रहिए हमारे साथ, मैं वैद्य चक्रपाणि। आप मुझसे या मेरी टीम से कोई भी सलाह लेना चाहते हैं, कोई भी परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं।